फोन ग्राहकों के लिए बुरी खबर है। टेलीकॉम सेक्टर की दिक्कतों का खामियाजा अब ग्राहकों को भुगतना होगा। वोडाफोन आइडिया ने 1 दिसंबर से मोबाइल टैरिफ बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। एयरटेल भी टैरिफ बढ़ाने जा रही है, हालांकि अभी एयरटेल ने तारीख नहीं बताई कब से टैरिफ में इजाफा करेगी। दोनों कंपनियों ने अभी तक इसकी जानकारी भी नहीं दी है कि कॉल और डेटा के रेट में कितनी बढ़ोतरी होगी। टेलीकॉम सेक्टर में आई दिक्कत की वजह से कंपनियों को टैरिफ बढ़ाने पर मजबूर होना पड़ा है। वोडाफोन आइडिया और एयरटेल ने घाटा बढ़ने की वजह से टैरिफ बढ़ाने का फैसला किया है। दूसरी तिमाही में वोडाफोन आइडिया को 50,921 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड घाटा हुआ है, जबकि एयरटेल को 23,045 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इस घाटे की बड़ी वजह AGR प्रोविजनिंग है, यानी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद टेलीकॉम कंपनियों का वो बकाया जो उन्हें टेलीकॉम डिपार्टमेंट को चुकाना है। अब ये रकम एक अतिरिक्त बोझ की तरह टेलीकॉम कंपनियों पर आई है, तो वो इसे अपने मुनाफे से ही घटाएंगे। घाटे को देखते हुए टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने भी कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत अगले 3 महीनों में AGR का भुगतान करने का निर्देश जारी कर दिया है। टेलीकॉम कंपनियों को करीब 1.33 लाख करोड़ रुपए दूर संचार विभाग को देना है। अलग अलग कंपनियों पर बकाए के लिहाज से देखें तो भारतीय एयरटेल पर 62,187 करोड़ रुपए, वोडाफोन आइडिया पर 54,183 करोड़ रुपए, BSNL और MTNL पर 10,675 करोड़ रुपए, रिलायंस कम्युनिकेशंस और एयरसेल पर 32,403 करोड़ रुपए बकाया है। एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू की वजह से टेलीकॉम कंपनियों को हुए नुकसान का बोझ अब ग्राहकों पर भी पड़ने जा रहा है। इसका सीधा मतलब यह है कि फोन यूजर्स दिसंबर से ज्यादा फोन का बिल चुकाने के लिए तैयार हो जाए, यानी अब मुफ्त कॉल और सस्ते डेटा के दिन लदने वाले हैं।